भाई साहब देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है। अरे बड़ा क्यूट है यार, कितने इसके रुई जैसे जो है, इसकी जो कोट है वो बिल्कुल बिल्कुल कॉटन जैसी है। इससे कनेक्ट कर सके, होलसेल दे देंगे आपको 7,000 का। ये 7,000 का यार, गाड़ी के अंदर दो इतने बड़े बड़े ग्रेट डेन। क्या नाम है इसका? अब यार देख सकते हो कितना छोटा है, कितना क्यूट है, कितने अच्छे से खड़ा है यार ये। तो आप इनका जो है कितना क्यूट है, दिल कर रहा है इसको घर ले जाऊं। तो आप देख सकते हैं भाई कितना खतरनाक जो है अमेरिकन बुली है। Yo, what's up? क्या हाल चाल? So, welcome to today's vlog. आज का vlog, जैसे कि आपने मेरा लास्ट जो कुरुक्षेत्र डॉग शो वाला vlog था उसको इतना प्यार दिया, तो मैंने उसमें कहा था मैं करनाल डॉग शो में जाऊंगा। तो आज है करनाल डॉग शो और आज मैं यहाँ पर वीडियो बनाने आया हूँ। अनफॉर्चुनेटली जो मेरा फ्रेंड अमित का डॉग था जर्मन शेफर्ड, वो बीमार है, तो आज हम उसको एग्जिबिट नहीं कर रहे। बट स्टिल बहुत सारे डॉग्स यहाँ पर आए हैं, KCI रजिस्टर्ड डॉग शो है करनाल डॉग शो, और बहुत मजा आने वाला है और बहुत सारे पपीज यहाँ पर आए हैं, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो यार जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा किस टाइप के आपको वीडियो चाहिए, और शेयर करें बिना कहीं मत जाएगा। और अगर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। लाल यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अंदर, जो कि है हुड्डा ग्राउंड करनाल के अंदर जो शोर है। और बेसिकली यहाँ पे भी हर डॉग शो की तरह दो रिंग है, रिंग वन और रिंग टू। और यहाँ पर अलग अलग जो डॉग्स के जो है शो, जो एग्जीबिशन हो रही है वो हो रही है, एग्जिबिट हो रहे हैं डॉग। और बहुत सारे यहाँ पे डॉग मार्केट भी लगी है एज ऑलवेज बाहर पे, जहाँ पे पपीज़ होते हैं वो सेल हो रहे हैं, और बहुत टाइप के पपीज़ आए हैं, वो भी मैं आपको सभी को आगे वीडियो में दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कुछ डॉग्स जो यहाँ पर एग्जिबिट होने के लिए आए हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डॉग्स आए हैं और अलग टाइप के डॉग्स आए हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, कुछ इस टाइप के डॉग्स आए हैं। एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डॉग मुझे दिखा है और मैं मतलब दिखाना चाहूँगा आप सभी को, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है मुझे। तो मैं अब कैमरा पलटता हूँ और आपको दिखाता हूँ वो डॉग। वो क्या बात है, कितना कितना मतलब इंटरेस्टिंग सा डॉग है, और कितने इसके जो फर है, ये काटता तो नहीं ना? नहीं। अरे बड़ा क्यूट है यार, कितने इसके रुई जैसे जो है, इसकी जो कोट है वो बिल्कुल बिल्कुल कॉटन जैसी है। इसका नेम क्या है? मारिया। मारिया, ओ क्या बात है। तो ये कुछ जीती भी आज है ना, राइट? ये कौन सी ब्रीड है वैसे? पूडल। पूडल जी। सो आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली। तो आपके पास इसके पपीज वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं? अभी अवेलेबल नहीं है, अभी खुद पपी है। ओके, तो वैसे इस ब्रीड के पपीज अवेलेबल हैं आपके पास? मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। तो आप अपना नंबर बताएंगे प्लीज? 9953414845। सो ये दिल्ली से है और इनका जो ये पोडल ब्रीड है, और ये इसकी ब्रीडिंग भी करते हैं, और आप इनसे जाकर बाय कर सकते हैं। और मुझे तो यार ये ब्रीड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। मारिया यार, गाड़ी के अंदर दो इतने बड़े बड़े ग्रेट डेन, कितनी स्ट्रेंज बात है यार ये, कितनी स्ट्रेंज बात। और कितने सही लग रहे हैं दोनों बैठे, एग्रेसिव काटते तो नहीं है, काटते तो नहीं है, दोनों शांत है। अरे क्या बात है। तो ये कितने टाइम के होंगे, कुछ पता है तुम्हें? भैया को पता है, भैया को पता है यार। क्या एक ब्रीड है जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पर लग रही है और बहुत अलग ब्रीड है, जो कि है बुल टेरियर। और ये बहुत ज्यादा ऐसी ब्रीड है जो बहुत रेयर पाई जाती है, और पंजाब साइड इसका बहुत ज्यादा क्रेज है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो ब्रीड कौन सी है। बड़ा खतरनाक लग रहा है दिखने में। सो ये मेल है फीमेल है? सर मेल है। ये मेल है, क्या बात है। कितने टाइम का होगा ये? 16 मंथ। तो ये अग्रेसिव होते हैं, ये ब्रीड कैसे होती है? नहीं नहीं, एनर्जेटिक होते हैं। एनर्जेटिक होते हैं, अग्रेसिव नहीं होते। अग्रेसिव नहीं होते। तो आप इसकी ब्रीडिंग करते हैं वैसे? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या नंबर है सर आपका? 9463385576। तो ये इनका नंबर है, और कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? होशियारपुर। होशियारपुर के है, और ये दिख रहा है मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग डॉग। तो क्या हाल है? सो जब गौरव भाई के लिए हम डॉग ढूंढ रहे थे, तो हमारे को एक ब्रीड सजेशंस बहुत ज़्यादा आ रही थी, जो कि केन कोर्स हो, और वो ब्रीड थोड़ी एग्रेसिव भी होती है और थोड़ी हाइट में लंबी भी होती है, मतलब बेसिकली एक बहुत अच्छी ब्रीड है। तो मैं अभी कैमरा पलटता हूँ और आपको वो डॉग्स दिखाता हूँ। ओ क्या बात है, क्या स्मार्ट है यार ये डॉग ना, कितना स्मार्ट लग रहा है। ये बेसिकली ब्रीड के बारे में आप सर मेरे को बताएंगे प्लीज? ब्रीड सर ये इटली की ब्रीड है। ओके, इटालियन मैस्टिफ है, केन कोर्सो है। ओके, और ये फैमिली डॉग है। ओके, बहुत ही अच्छा डॉग है। ये अग्रेसिव नहीं होते, बट दिखने में बहुत अग्रेसिव लग रहा है, लेकिन अग्रेसिव नहीं होते। बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट है इसका। ओके, सो मैं इसको हाथ लगा सकता हूँ? मुझे लगाने देगा ये? कोई बात नहीं, मुझे यार इसका डर लग रहा है सर, बहुत फैमिली डॉग है। सो मैं अब फिलहाल इस डॉग को हाथ लगाने जा रहा हूँ, और मुझे लग रहा है इससे डर। भाई कुछ नहीं है। क्या नाम है इसका? माशा। मेल है फीमेल है? फीमेल है। ये फीमेल है, और लग नहीं रही, मतलब इतनी कितनी खतरनाक लग रही है दिखने में। 8 मंथ। अबे क्या बात है यार, 8 मंथ्स ओल्ड सिर्फ, और इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव, इतनी ज्यादा आप देख सकते हो उसका फेस,
कितना प्यारा लग रहा है। तो एक ऐसी ब्रीड है जिसको मैं खुद लेना चाहता हूँ, बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा हूँ, बट मेरे पास एक पग है तो मैं सोच रहा हूँ पग के साथ एक ब्रीड और ली जाए। वो ब्रीड है ब्रिटिश बुलडॉग। यार ये कितना प्यारा है। एक तो सबसे बड़ी बात इस ब्रीड की मुझे लगती है जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, यू नो की इतने अग्रेसिव नहीं होते, और एक जो ये है ये बड़े स्वैगी से होते हैं, जो मुझे लगता है कि इनको घर में रखना ही एक स्वैग वाली बात है। और ये इस एनवायरमेंट में रह लेते हैं, आप गर्मी सर्दी सह लेते हैं ना यार, बहुत सही है। तो इसका नाम क्या वैसे? कोको। क्या हाल है कोको? 10 महीने यार, आगे लाना इसको, कोको दिखाओ। कोको जस्ट 10 मंथ्स ओल्ड। अरे क्या बात है, ये सिर्फ 10 मंथ्स की है और अभी बहुत फिट है ये, यू नो। ये ब्रीड मैंने जहाँ तक सुना है बहुत ज़्यादा लोग इसको खिला के इसको कर देते हैं, बट ये बहुत फिट रखा हुआ है, तो इसकी मेरे हिसाब से प्रॉपर ट्रेनिंग भी होती होगी इसकी शो के लिए। तो यार कोको बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। हाँ, एक ऐसी जो डॉग्स हैं, दो इतने प्यारे डॉग हैं ना यार, आंखें मतलब देखना चाहती हूँ उनको बार बार। एक जो डॉलर जोन है जो मैंने भाई को गिफ्ट किया था, वैसा सेम ब्रीड है, और एक ब्रीड है जो डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। तो दिखाता हूँ आपको वो ब्रीड। क्यूट, कितने क्यूट हैं यार, कितने दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में खड़े हुए। हेलो सो सर, ये आपके डॉग्स है राइट? तो ये कौन कौन सी ब्रीड है, आप ब्रीड के बारे में प्लीज ऑडियंस को बताइए। ये है जर्मन स्पिट्स। ओके, ये है शेट्जू। ये शेट्जू है। ये कौन सी है? जर्मन स्पिट्स। ये टॉय पॉमनी है ना? ये डिफरेंट है, डिफरेंट होता है, ये जर्मन स्पिट्स है। ये जर्मन स्पिट्स है। ओके यार क्या बात है, कितने जिस हिसाब से इसकी क्यूटनेस है, ये नेक्स्ट लेवल डॉग है यार। कितना मतलब इस पूरे डॉग शो का मुझे ये सबसे क्यूट डॉग लगा। सो मैं फिलहाल आपको मिलवाता हूँ मोटू से, ये मेरा नया दोस्त है। और मोटू यार ये कितना प्यारा है यार, कितना प्यारा है मोटू। मोटू इंडियन चैंपियन है यार, ये इंडियन चैंपियन है, और इसको डॉग शो एग्जिबिट कर चुके हैं, इसको भी होगा अब इसकी रिंग जो है एग्जिबिशन में जाएगा यार ये। और यार कितना क्यूट है, कर रहा है इसको घर ले जाऊं। सर आप इनका नंबर बताइए अपना प्लीज एक बार। 96463 12307। तो कहाँ के रहने वाले सर आप? डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। ओके डिस्ट्रिक्ट लुधियाना। तो आप इनके पपीज वगैरह पे अवेलेबल होते हैं सर? अवेलेबल होते हैं। तो क्या बात है, इनके पपीज इनके पास अवेलेबल होते हैं। अगर किसी को ये ब्रीड बाय करनी है तो यार इनसे कॉन्टेक्ट करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनका नंबर दे दूंगा मैं। So, अब मैं फिलहाल आपको लेकर चलता हूँ जो जहाँ भी डॉग शो होता है, मैंने आपको बताया वहाँ पर एक मार्केट ज़रूर लगती है जो कि स्पेशली पपीज़ के लिए होती है, आप वहाँ जाकर पपीज़ बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर वैसे ही एक मार्केट लगी है, तो मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ कैसे कैसे पपीज़ आए हैं, और आप कैसे कैसे मतलब जो डॉग्स हैं यहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो जैसे मेरा जो कुरुक्षेत्रा डॉग शो था, कितना वीडियो को इतने अपने प्यार दिया, तो मैं उनके ऑर्गेनाइजर से आप सभी को मिलवाता हूँ। सो मेरे साथ हैं यूकेसी टीम के ऑर्गेनाइजर, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा डॉग शो कराया कुरुक्षेत्रा में। क्या बात है, ये लैब्राडोर और रोटविलर इनके पास सेल के लिए पपी। और सर कहाँ से आप आए हो बेसिकली डॉग को लेके? अंबाला से। अंबाला से, तो ये सभी सेल के लिए। और एक ये जर्मन शेफर्ड, क्या बात है, कितना प्यारा जर्मन शेफर्ड है यार ये। और ये लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड है राइट? डबल कोट है, डबल कोट, लॉन्ग कोट भी इसको हम कह लेते हैं। और ये कितना प्यारा है, और ये कितने कितने के आप क्या सेल करें, एक आइडिया दे दीजिए ताकि आपकी जो मेरी जो ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट कर सके। होलसेल दे देंगे आपको 7,000 का। ये 7,000 का मार्केट में बिकते हैं, 10-12 के हम 7,000 का दे देंगे। क्या बात है, और ये कितने का बिकेगा? ये दे देंगे 8,000 का। ये सिर्फ 8,000 का। और जो आपका स्पेशल जितना गोलू से जर्मन शेफर्ड है, कितने का देंगे आप? ये दे देंगे 25 का। तो बाकी ये नेगोशिएट हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा। और ऑल इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है राइट? नंबर बताइए प्लीज अपना। मेरा नंबर है 7206400229। तो इनका नंबर आपने नोट कर लीजिए, और इनसे आप ये पपीज बाय कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स आए हैं जो सेल के लिए, उनमें से एक बहुत प्यारे प्यारे मुझे डॉग्स लग रहे हैं, तो मैं आपको कुछ डॉग्स दिखाता हूँ एक करके। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पपीज पड़े हैं, तो मैं इनके जो ऑनर है उनसे पूछता हूँ, ये कौन सी ब्रीड है पाजी? एक कल्चर है, ये कल्चर पॉम है। और इसका क्या प्राइस, कितना आप मांग रहे हैं? कुछ 5,000 फीमेल का। 5,000 फीमेल का जो है ये एक रेट मांग रहे हैं। और साथ में ये तो ये बीगल सारे सेल के लिए है, तो ये कौन कौन मेल है, फीमेल है, कैसे है? ये 15,000 रुपए इसका प्राइस है। तो मेल है फीमेल है? फीमेल भी मेल भी है। इनमें फीमेल भी है मेल भी है, आप देख सकते हैं यार। और एक यहाँ पर फ्रेंच बुलडॉग है, लो ये भी दोनों सेल के लिए हैं। तो आप चाउचा को क्या प्राइस मांग रहे हैं? 25,000 रुपया। और फ्रेंच बुलडॉग का? 10,000। तो अपना नंबर बोलिए प्लीज। 977। ओके 96। ओके 48। ओके 464। तो आप इनका नंबर नोट कर लीजिए, ये सभी डॉग्स जो हैं इनके सेल के लिए हैं। यहाँ पर स्पेशल जो है कल्चर पॉम बहुत ज्यादा आए हुए हैं बच्चे जो सेल के लिए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एक स्पेशल सभी जो कल्चर पॉम को लेके आए हैं सेल के लिए, तो आप वहाँ से कल्चर पॉम भी बाय कर सकते हैं। वो भाई साहब देख रहे हो कितने सारे पपी, कितने क्यूट है सभी, कितने ज्यादा क्यूट है।
है, ये देख रहे हो कितना छोटा और कितना क्यूट पपी है। सो सर ये कितने कितने के क्या क्या मतलब आप स्टार्टिंग रेंज कितनी है इनकी? 5000 तो फिर 15000 तक का। 5000 से 15000 तक है, क्या बात है। और तो की नंबर है सर अपना? मेरा 9843-9913। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं छपार पिंड मंडी अहमदगढ़ के पास हूं। इनका एक कार्ड है, आप इनका कार्ड जरूर देख लो यार, कार्ड से आप स्क्रीनशॉट लेके इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनके पास सारी टॉय ब्रीड है, सारी अवेलेबल होती है। वो तो देख सकते हैं यार कितने अच्छे अच्छे पपीज यहाँ पर हैं। और ये देख रहे हो कितना क्यूट है भाई, कितना क्यूट है यार ये। यहाँ पर हस्की के भी पपीज जो हैं सेल के लिए आए हुए हैं, अगर आप परचेज कर सकते हैं। और ये कितना प्यारा लैब्राडोर देख सकते हो, अलग ही दिख रहा है यार ये, पूरे जितने यहाँ पे पपीज हैं उनमें अलग ही दिख रहा है। आप अपना नंबर बता सकते हैं ब्रो? 720-608-0143। तो यार ये कितने का पैसे स्टार्टिंग कितना मांग रहे हैं इसका? 25,000 विद KCI पेपर्स के साथ इसके 25,000 ये मांग रहे हैं। और पपी है इनके पास जो कि इतना सुंदर है ना यार, देख रहे हो रिंकल कैसे आ रहे हैं, कितने रिंकल हैं। और ये लैब्राडोर में आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि रिंकल्स जो होते हैं वो ज्यादा क्यूट लगते हैं, दिखने भी बहुत क्यूट है। तो ये कितने का सेल कर रहे हो वैसे आप? 30,000 विद KCI जो इसके सर्टिफिकेट है वो भी देंगे। ओ भाई साहब देख रहे हो कितना खतरनाक लग रहा है, ये काटता वाटता तो नहीं है भाई? फुल फ्रेंडली, फुल फ्रेंडली है। तो ये इसको सेल कर रहे हैं, तो कितने का सेल कर रहे हैं आप कुछ आइडिया? 50,000 का। नंबर बोलेंगे सर अपना? 8447-405063। तो ये डॉग सेल कर रहे हैं, अगर आपको किसी को लेना है ये कितने टाइम का होगा? ये करीबन 2.5 साल का। कितने साल का? ढाई साल का ये, इसको सेल कर रहे हैं। और ये इसकी सेल के लिए सर आपका ये वहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में देखा था, रोहित भाई क्या हाल है आपका? बढ़िया। तो इनका अब इन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जो डॉग्स के लिए स्पेशल होगा। किस नाम से चैनल किया आपने स्टार्ट? फोर्स लैब्राडोर हरियाणा। तो इस नाम से इनका यूट्यूब चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर लेना। अब ये डॉग्स के बारे में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। और एक इनके पास जो है डॉग बिच सेल करने के लिए आया ना, फीमेल मेल है जी, मेल मेल आप सेल करने के लिए आया, जो इनके डॉग है सैम इंडियन चैंपियन, उसका मेल है, कौन सा मेल है बताएंगे आप? ये वाला है जी सेल पे। क्या बात है, कितना टाइम का है यार ये? ये 3.5 मंथ का है। ये 3.5 मंथ का है। और इसके पेपर्स वगैरह सब है? हाँ जी बिल्कुल। तो आप इनके यहाँ से इनका नंबर एक बार दोबारा बोल दो रोहित भाई। 8950132 53। तो इनका नंबर मैंने आपको दे दिया, आप इनको कॉन्टेक्ट कीजिए और ये ऑल इंडिया डिलीवरी दे देते हैं। और बहुत प्यारे पपीज है, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, पपीज के जो भी पपी बड़ा होता है बहुत अच्छे रिजल्ट आता है और बहुत प्यारा पपी है, तो आप इनसे बाय कर सकते हैं। थैंक यू रोहित भाई। सो फिलहाल जैसे मैं पूरा शो कवर कर रहा हूँ तो उसमें बहुत ज्यादा एक और पपी मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगा है, और उसके ब्रीड के बारे में जानते हैं और वो क्या क्या मतलब जो उनके ऑनर है उनसे पूछते हैं वो ब्रीड कहाँ की है। तो चलिए मैं आपको वो डॉग दिखाता हूँ। वाओ यार कितना क्यूट है यार, एक डॉग कितना क्यूट है और कितना प्यारे से देख रहे हैं मुझे। सो सर आप जो है आपका ये डॉग है तो आप एक बार बताइए कि डॉग ब्रीड कौन सी है? ये टॉय पोमरेनियन है। ओके सो ये बेसिकली इम्पोर्टेड है या इंडियन है? ये बच्चा तो इंडियन है। इंडियन है ओके, बट ब्रीड इसका फादर है वो इम्पोर्टेड है। क्या बात है, तो आप इसको एग्जिबिट करने के लिए लाए हैं फिलहाल यहाँ पे, राइट? सो कितना इसका जो पपी होता है वो कितना कॉस्ट करता है, आप कुछ आइडिया दीजिए मुझे एक बार ऑडियंस को। अराउंड 50,000 के ऊपर, 50,000 के करीब। आपका नंबर मुझे बताइए ऑडियंस को, क्योंकि 9810-9900-89। सो आप कहाँ से आए हैं वैसे? दिल्ली। दिल्ली से आए हैं और दिल्ली की ऑडियंस मेरी बहुत अच्छी है। तो आप यार देख सकते हो कितना छोटा है और कितना क्यूट है और कितने अच्छे से खड़ा है यार ये। तो आप इनका जो है परचेज कर सकते हैं, इनके पास पपीज आपके पास अवेलेबल करा देते हैं सर आप? जी जी, पपीज ही अवेलेबल करा देते हैं। और यार ये बहुत प्यारा है यार, बहुत ज़्यादा। लैब्राडोर की बात हो रही थी, लैब्राडोर आपने बहुत देखे होंगे और मैंने अभी आपको बहुत सारे लैब्राडोर दिखाए अलग अलग क्वालिटी के। तो एक ऐसी क्वालिटी का लैब्राडोर मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो अल्टीमेट है, अल्टीमेट यू नो आपको बहुत रेयर ब्रीड, वो वही कह रहा हूँ रेयर मिलेगा वैसे पपीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। भाई साहब देख रहे हैं आप लैब्राडोर, ये देख रहे हो रिंकल, देख रहे हो क्वालिटी, देख रहे हो पपीज की बोन साइज देख रहे हो। अरे ये देखो यार छोटू सा व्हाइट कलर में, क्या बात है। तो मैं बताता हूँ ये पपीज हैं किनके, ये है राजा लैंड टीम। तो पपी देखो वो आपके सामने, तो पपीज की आप क्वालिटी देख सकते हैं यार, क्या रिंकल्स हैं पपी के। और सबसे मेन साइज जो आज के टाइम में है बोन साइज नहीं मिलेगा आपको, और आप देख सकते हैं बोन साइज है पपीज के और रिंकल सबसे मेन। और ये कितना टाइम का पपी होगा जो आपके हाथ में रखे? 55 days। क्या बात है, 55 days, क्या बात है। और लाल जो क्यूटू सा डॉग है ये जीत के आया है बेस्ट ऑफ ब्रीड, तो बेसिकली ये अपनी ब्रीड का सबसे बेस्ट पपी है इस टाइम इस पूरे शो में। और ये कितना प्यारा लग रहा है और इसको प्यास लगे आई थिंक। और
सो ये फर्स्ट टाइम आया सर डॉग शो में आज? क्या बात है। और ये फर्स्ट टाइम में ये इसने बेस्ट ऑफ ब्रीड ले लिया है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस पपी के लिए। सो इस पपी के साथ मैंने कुछ फोटोज ली हैं, जो कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, तो बार बार कह रहा हूँ इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फॉलो करोगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फोटोज इसके साथ ली हैं, वो आप सभी इंजॉय कर पाओगे। तो आप देख सकते हैं भाई कितना खतरनाक जो है अमेरिकन बुली है, और इसका नाम है मांबा। तो जो इसके ऑनर है मैं उनसे बात करता हूँ, कितने एज के और इसके पपीज वगैरह अवेलेबल है क्या। तो ये इनके ऑनर है, क्या नाम है सर आपका? सर सुशील। सुशील सर अपना नंबर तो पहले तो आप 9255468000। तो आपके पास इसके पपी वगैरह अवेलेबल रहते हैं? हर टाइम अवेलेबल रहते हैं यार, बहुत बढ़िया डॉग है आपका यार। सो विद दैट करते हैं हम व्लॉग की एंड, और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है यार, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और शेयर करना इस वीडियो को अपने जितने डॉग लवर्स के साथ है। तो ऐसी बहुत मज़ेदार वीडियोस मैं जल्दी जल्दी लाने वाला हूँ, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत धूम मचाने वाला कोलैबोरेशंस की भी और हर एक चीज़ की। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।